मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दहम गज़ल नंबर 2 आदमी आदमी से मिलता है, इसके शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिला ताखीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 4, सिलसिला फितनाए क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। फितनाए क़यामत, क़यामत की आफत या क़यामत का दिन जो कभी ख़त्म ना होगा, और खुशकामती का मतलब है दराज कद, लंबा कद। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह है कि क़यामत के दिन की तवालत या लंबाई तेरे दराज कद से मिलती जुलती है। आइए अब इस शेर की तशरीह समझते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तेरी खुशकामती यानी तेरा दराज कद, तेरा लंबा कद मेरे दिल पर गज़ब ढाती है। मुख्तलिफ शुआरा ने अपने महबूब के किसी न किसी वस्फ़ की, उसकी खूबी की तारीफ़ की है। किसी ने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी कहा है, किसी ने अपने महबूब के दांतों को मोती कहा है, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। इसी तरह जिगर मुरादाबादी अपने महबूब की खुशकामती की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब का दराज कद ना सिर्फ मुझे भाता है बल्कि मेरे दिल पर क़यामत भी ढाता है। जब मैं अपने महबूब को देखता हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता, इस पर क़यामत से गुजर जाती है। जिस तरह क़यामत के बाद की ज़िंदगी हमेशा रहेगी, इसी तरह मुझे महसूस होता है कि अपने महबूब को देखने के बाद मेरे दिल की ये हालत भी अब हमेशा रहेगी, और मैं उसकी मोहब्बत और उसकी खूबसूरती से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, और मेरा दिल किसी और काम की तरफ अब मुतवज्जे नहीं होगा। मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा कि तेरे सर्वकामत से एक कद आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। आइए अब शेर नंबर 5 की तशरीह मुलाहिज़ा कीजिए। मिल के भी जो नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। टूट कर यानी शिद्दत से। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह होगा कि मेरा महबूब मुझसे मिलता तो है मगर ना मिलने के बराबर, यानी उसका मिलना और ना मिलना बराबर ही है, मिलके भी जो नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद टूट कर दिल उसी से मिलता है, मेरा दिल शिद्दत से उसी को चाहता है। आइए अब इस शेर की तशरीह समझते हैं। अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब शेर में जिगर महबूब की बेरुखी और बेएतनाई का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब से मुलाकात तो होती है लेकिन उसका मिलना और ना मिलना बराबर है। महबूब चाहत से नहीं मिलता बल्कि कल्बी फासलों से और किसी आम वाकिफ के अंदाज से मिलता है। अज़ीज़ तलबा, जिगर एहसास महरूमी से दोचार हैं, वो महबूब को टूट कर चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने महबूब के नाम कर चुके हैं लेकिन उनका महबूब उनकी इस चाहत की बिल्कुल कोई कदर नहीं करता। दूसरे जाविये से देखा जाए तो शायर ने अपने दिल की बेबसी का जिक्र किया है कि ये तो मालूम है कि महबूब से मोहब्बत का हुसूल मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी दिल उसे चाहने से बाज नहीं आ रहा, मैं दिल के हाथों बेबस हूँ। और अज़ीज़ तलबा, दूसरी तरफ इसमें इखलास का पहलू भी है कि महबूब की बेरुखी के बावजूद हम उसे टूट कर चाहते हैं। लेकिन अज़ीज़ तलबा, यह हकीकत भी है कि अगर इंसान या किसी का महबूब उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे तो एक आशिक की मोहब्बत में इजाफा होता रहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि इकरार में कहाँ है इनकार की सी सूरत, होता है शौक गालिब उसकी नहीं नहीं पर। यानी मेरा महबूब जितना इनकार करता है उतना ही मेरी मोहब्बत में इजाफा होता है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू जमात दहम गज़ल नंबर 2 आदमी आदमी से मिलता है, इसके शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 की तशरीह समझी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आखिरी 2 अशार की तशरीह समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।